जॉब एप्लीकेशंस के लिए अपनी पहली यूएक्स केस स्टडी कैसे बनाएं, कौन सा टॉपिक चूज करें एंड उसमें क्या क्या इंक्लूड करें, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहला कि कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करें, अगर आप पे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है तो कहाँ से आप स्टेटमेंट्स पिक कर सकते हैं। दूसरा, अपनी केस स्टडी में क्या क्या इंक्लूड करें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी केस स्टडी में डालना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा, जब आपकी केस स्टडी बन जाए तो उसको कहाँ पब्लिश करें, उसको कैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करें एंड कैसे अपने रिक्रूटर्स को भेजें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाए। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ऐसी तीन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज शेयर करूंगा जिनको यूज करके आप अपनी पहली यूएक्स केस स्टडी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स फिगर आउट कि अगर आप पहली बार ये केस स्टडी बना रहे हो तो अपना टॉपिक कैसे चूज करें। सी, आई वुड रेकमेंड कि आप कोई ऐसा डोमेन चूज करो जिसमें या तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो या कोई ऐसा डोमेन जिसमें आपको ऑलरेडी थोड़ी सी नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंस का शौक है तो आप फाइनेंस डोमेन पे स्टिक रहो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिल्म्स का शौक है, देन यू कैन मेक समथिंग अराउंड एंटरटेनमेंट। डोमेन चूज करने के बाद आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जरूरत होती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चूज योर प्लेटफॉर्म। या तो आप एक वेब प्लेटफॉर्म बनाओ या एक मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाओ। मोबाइल के अंदर भी तीन चीज़ें हो सकती है। या तो आप एक वेब ऐप बना सकते हो, यानी कि जब आप अपने फ़ोन पे गूगल क्रोम खोलते हो और कोई वेबसाइट खोलते हो, दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन ऐप दैट ओपन्स ऑन योर फ़ोन, राइट। तो कुछ वेब ऐप्स फ़ोन पे ही चलती है जहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स आर मेड इन HTML एंड CSS। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे ऑलमोस्ट सब कुछ बन सकता है। तो जब आप मोबाइल के लिए वेब ऐप बनाते हो, आप पे बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है। बट मोबाइल के अंदर ही और दो कैटेगरीज होती है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड iOS एप्लीकेशंस। तो अगर आपको मन है तो आप एक वेब ऐप भी बना सकते हो, वरना अगर आपको स्पेसिफिकली एंड्रॉयड पे फोकस करना है तो आप एक एंड्रॉयड ऐप चूज कर सकते हो। एंड सिमिलरली आप स्पेसिफिकली एक iOS ऐप भी चूज कर सकते हो। बट अगर आपने एंड्रॉयड या iOS मोबाइल ऐप को चूज किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन प्लेटफॉर्म्स की गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ो। तो हमने कुछ प्रीवियस वीडियोज में ये डिस्कस भी किया हुआ है कि iOS गाइडलाइंस कहाँ मिलती है, एंड्रॉयड गाइडलाइंस कहाँ मिलती है। मैं दोनों गाइडलाइंस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप बिना गाइडलाइंस पढ़े एंड्रॉयड या iOS के UIs बनाओ के, तो आपके रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि दिस पर्सन हैज नॉट डन इनफ रिसर्च एंड यू वुड इवेंचुअली गेट रिजेक्टेड। अब जब आप एक स्पेसिफिक डोमेन सेलेक्ट करते हो, आई वुड रेकमेंड कि आप मीडियम पे, ड्रिबल पे और पिंटरेस्ट पे जाओ, अपने डोमेन का नाम लिखो और उसके आगे मोबाइल ऐप जोड़ दो या वेब ऐप जोड़ दो। आपको इंस्टेंटली हजारों इमेजेस मिल जाएगी जहाँ पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशन। तो वहाँ से आप आइडियाज पिक कर सकते हो। वरना मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्स है जो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जनरेट करती है। इट इज़ कॉल्ड sharpen.design एंड इस प्रोडक्ट पे जाके आप ये product/UX पे क्लिक कर सकते हो। एंड देन वहाँ पे एक छोटा सा बटन है दैट सेज न्यू चैलेंज। तो जैसे जैसे आप न्यू चैलेंज पे क्लिक करते जाओ कि इट वुड ऑटोमेटिकली जनरेट वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फॉर यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपनी केस स्टडी में क्या क्या इंक्लूड करना है। लेट कर लो कि आपको टॉपिक मिल गया है, स्टेटमेंट मिल गई है, आपने थोड़ा सा काम भी शुरू कर दिया। बट जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, जब अपनी केस स्टडी लिखने की बात आती है, तो हमें कौन से टॉपिक्स एब्सोल्युटली डालने ही डालने हैं। जैसे ही आपकी केस स्टडी शुरू हो, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट समरी लिखनी होती है। एंड आई वुड रेकमेंड कि आप इस पूरी केस स्टडी में ज्यादा फैंसी वर्ड्स मत यूज करो, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स मत यूज करो। यू हैव टू मेक थिंग्स वेरी विजुअल, वेरी इंटरैक्टिव। हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे टू मेक इट लुक प्रिटी, बट ट्रस्ट मी, ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज करना इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। यू हैव टू मेक थिंग्स लुक वेरी सिंपल, यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है कि झूठे वायर फ्रेम्स डाल दिए, झूठे पर्सोनास डाल दिए, झूठे यू नो बार ग्राफ्स डाल दिए। प्लीज डोंट डू दैट, रिक्रूटर्स कैन स्मेल इट फ्रॉम अ माइल अवे। नाउ प्रोजेक्ट समरी में आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंक्लूडेड होती है, बट आफ्टर योर समरी यू हैव टू समराइज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन अ सिंगल सेंटेंस, क्योंकि उससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिक्लेयर करने के बाद यू हैव टू शो योर रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च के अंदर बहुत सी चीजें आती है, बट हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स कवर करेंगे जिनका होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। यू हैव टू शो कि आपने अपने यूजर को समझने के लिए कितना एफर्ट किया है। तो इफ यू हैव डन सम इंटरव्यूज, यू कैन ऑलवेज पुट दोज। अगर आपने फिक्शनल यूजर पर्सोनास डाले, दैट ऑल्सो वर्क्स। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ दो या तीन यूजर पर्सोनास पर ध्यान दो, रादर देन हैविंग 6 और 7 ऑफ देम, बिकॉज यू वांट टू मेक इट वेरी फोकस्ड, राइट। यू से दैट
ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये मेरे दो कैटेगरीज ऑफ यूजर्स है, इनके लिए मैं आज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। पर्सोनास के बाद यू हैव टू मेक योर यूजर फ्लोज, एज इन कि जब कोई यूजर मेरा ऐप खोलेगा तो उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे एंड उन मेजर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो कौन कौन से ऐप्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स पर जाएगा। तो आप गूगल पर जाके इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर गूगल कर सकते हो, आप यूज़र पर्सोनास समझ सकते हो, आप यूज़र जर्नी समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे से मच बेटर लोग, मच नॉलेजेबल लोग ये यूट्यूब पे एंड गूगल पे फ्री में सिखा रहे हैं। यूज़र फ्लोज के बाद मेक श्योर कि आप अपने वायर फ्रेम्स को डालो। अब वायर फ्रेम्स आप फिग्मा पे भी बना सकते हो, नोटबुक्स पे भी बना सकते हो, आईपैड पे भी बना सकते हो, बट वायर फ्रेम्स तभी डालना जब आपने एक्चुअली उनको यूज करा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज अ यूआई डिजाइनर बहुत कम वायर फ्रेम्स बनाता हूँ, मैं यूजली लो फिडेलिटी यूआई बनाता हूँ, तो आई नेवर मेक अ वायर फ्रेम ऑन पेपर एंड पेंसिल, आई नेवर गो ऑन माय फिग्मा एंड मेक दोज रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, क्योंकि मैं माइंड में ही वायर फ्रेमिंग कर लेता हूँ, राइट। एंड जब मैं यूआई बनाता हूँ आई मेक लो फिडेलिटी यूआई, तो मैं बटन्स, ड्रॉप डाउन, एक्चुअल टेक्स्ट इन सब के साथ अपनी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग करता हूँ। तो दैट इज माय ओन प्रोसेस, राइट। अगर आपका भी कुछ इंडिविजुअल प्रोसेस है प्लीज डोंट शाय अवे फ्रॉम इट, इन द एंड इट हैज टू बी ऑथेंटिक, इट हैज टू बी रियल, डोंट अननेसेसरली एड स्टेप। उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर रिक्रूटर कि आपको सिस्टम्स की थोड़ी सी नॉलेज है। तो अगर आपने अपने ग्रेज, न्यूट्रल्स, ब्रांड कलर्स एस्टैब्लिश करे हैं, शो देम। Also show them how you've declared them on Figma. Show your typography, iconography, your shadows का system, your illustrations, anything that you feel कि आपने इसका एक system बनाया है to ease your decision making, show that. It's not just about problem solving or research and your UI design. It is also about your ability to make systems, right? क्योंकि as a beginner अगर आपको systems की थोड़ी सी knowledge है, you will always have a competitive edge. And of course in the end आपके actual visual design आएगा, आपका UI आएगा, आपके edge cases आएंगे, आपके components आएंगे, you can show कि इस single component की ये different edge cases है. You have to include at least 6 to 9 distinct images. प्लीज ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, अकाउंट क्रिएशन और लॉग इन पेज मत बनाना, सेटिंग्स पेज मत बनाना, देर इज नो कॉन्क्रीट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मेकिंग अ लॉग इन एंड साइन अप वाला पेज। एंड इन दी एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी ट्राई टू पुट अ प्रोटोटाइप का लिंक, फिग्मा पे आप प्रोटोटाइप बनाओ इफ यू आर कंफर्टेबल विद इन विजन और प्रोटोपाई और प्रिंसिपल और ओरिगामी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो प्लीज मेक श्योर कि आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाओ और उसका हाइपर लिंक वहाँ पे जोड़ दो, राइट। तो आई विल टेल यू कि ये केस स्टडी एक्चुअली आप लिख का रहे हो, बट एक प्रोटोटाइप का होना या एक वीडियो का होना या एक जिफ का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज योर एबिलिटी टू पुट थिंग्स टुगेदर टू मेक एक्चुअल हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स एज अ डिजाइनर। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ये सारे डेटा की बात तो कर रहे हो बट इसको हम पब्लिश कहाँ करें। द ईजिएस्ट वे इज टू आइदर मेक अ नोशन पेज और टू राइट इट ऑन मीडियम। नोशन के बारे में आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते आई विल पुट द लिंक नीचे। अगर आप नोशन पे लिख रहे इट इज़ वेरी इजी टू एम्बेड डेटा, वरना अगर आप मीडियम पे लिखते तो इट्स नॉट जस्ट फॉर योर ओन कलेक्शन, मीडियम पे बाकी लोग भी आपका काम देख पाते हैं। तो कभी कभी रिक्रूटर्स, क्रिएटर्स एंड डिजाइनर्स दे कम अक्रॉस योर वर्क इन मीडियम से ही हो सकता है आपको जॉब की ऑफर्स मिल जाए। तो मीडियम पे काम डालना इज बेटर बिकॉज द होल वर्ल्ड कैन सी योर वर्क। एंड देन मीडियम पे जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाए यू मेक अ नोशन पेज जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो या अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, उस एक नोशन पेज के अंदर आप अलग अलग मीडियम आर्टिकल्स को कलेक्ट कर लो। तो हो सकता है आपने 5 केस स्टडीज मीडियम पे लिखी हो, वो मीडियम पे तो पॉपुलर हो ही रही है, बट अब आपने एक नोशन पेज बनाया और नोशन पेज के अंदर अपने सारे आर्टिकल्स को एक एक करके एम्बेड कर दिया। अगर आपको नोशन यूज करना नहीं आता है डोंट वरी, आप यूट्यूब पे जाओ, फिगर आउट करो कि नोशन कैसे काम करता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसपे आप नोशन के रेज्यूमे टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां पे आपको रेज्यूमे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, सीवी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी नोशन ने अपनी वेबसाइट पे फ्रीली डाले हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको डुप्लीकेट करना है। जैसे ही आप वो टेम्पलेट डुप्लीकेट करो कि वो आपके नोशन वर्कस्पेस में आ जाएगा, आपने कुछ नहीं करना, अपना नाम, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मीडियम आर्टिकल्स डालने एंड दैट इज ऑल। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हियर आर 3 रिसोर्सेज जिनको यूज करके आप अपनी केस स्टडी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट रिसोर्स इज बाय डिजाइन स्टोरीज, ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल है, ट्रस्ट मी आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो यही रिसोर्स सॉल्व कर देगा। जब कोई स्टूडेंट अपनी पहली केस स्टडी बना रहा होता है तो उसको हमेशा कंफ्यूजन होती है कि क्या इंक्लूड करें। अभी जैसे मैंने आपको बोल दिया यूजर पर्सोना बनाओ या वायरफ्रेम्स बनाओ, तो उसके अंदर भी बहुत सी सटलिटीज है। तो डिजाइन स्टोरीज पे जाके
आप एक्चुअली में उस वेबसाइट को ये बता सकते हो कि मुझे अपनी केस स्टडी में ये टॉपिक्स डालने हैं। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम्स मिलेंगे, एक होगा मेथोडोलॉजीज का कॉलम, एक होगा डिजाइन प्रोसेस का कॉलम। जैसे आप अपनी मेथोडोलॉजीज और प्रोसेसेस को सिलेक्ट कर लोगे और जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये वेबसाइट एक PDF दे देगी, एक टेम्पलेट दे देगी, जिसको यूज करके आप अपनी खुद की केस स्टडी लिख सकते हो। एंड इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, क्योंकि जैसे ही आपको वो PDF मिलेगा विच इज एब्सोल्युटली फ्री, आप उस PDF को यूज करके एक अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हो। आपके बहुत से डाउट सिर्फ इसी एक PDF से क्लियर हो जाएंगे। द सेकेंड रिसोर्स इज अ वेरी पावरफुल एंड वेल रिटन एसे, जिससे आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इट इज पब्लिश्ड ऑन essays.uxdesign.cc। इट्स कॉल्ड द केस स्टडी फैक्ट्री एंड ये आर्टिकल बहुत ही जबरदस्त है। इनफैक्ट इस आर्टिकल को पढ़ के ही आपको इतनी इंस्पिरेशन मिल जाएगी, इतनी क्लैरिटी आ जाएगी दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज for your first UX case study. Last resource is whiteboard.fm, but whiteboard.fm ke andar specifically I want you to check out the case studies wala column. To maine whiteboard.fm ke bare mein pehle bhi baat kari hui hai. It is a show jahan pe bahut bade bade senior designers and managers apne experiences share karte hain. But agar aap whiteboard.fm ke case studies wale panel mein jaoge to aapko specifically videos mil jayegi where senior designers share their own case studies, right? And un case studies ko use karke they've got वेरी वेरी गुड ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो आपको केस स्टडी तो देखने को मिले कि उस केस स्टडी को उन्होंने कैसे लिखा है, उसको भी समझने का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, विच इज फॉर एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप यहाँ पहली बार ही आए तो मैंने इसी YouTube चैनल पे एक 15 एपिसोड का फ्री UX डिजाइन कोर्स डाला हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करेगा, आपको पोर्टफोलियोज, जॉब्स, एप्लीकेशंस, बहुत सी डिटेल्स के बारे में फ्री में समझाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड मैंने इस YouTube चैनल पे एक रीडिजाइनिंग सीरीज भी शुरू करी हुई है, एंड इफ यू वांट कि मैं आपका UI रीडिजाइन करूँ फॉर फ्री, यू कैन ईमेल मी योर फिग्मा फाइल्स ऑन anshmehra.com@gmail.com। विद दैट बीइंग सेड, आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, कीप डिजाइनिंग ऑसम स्टफ। दिस इज योर दोस्त अंश मेहरा साइनिंग आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रेगुलरली UX डिजाइन, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस बनाता हूँ।